दोस्तों 14 अप्रैल सन 1891 को एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिनको आज पूरा देश पूछता है। दोस्तों जी हाँ, एक ऐसे शख्स जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। दोस्तों 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, जहां आज अंबेडकर नगर के नाम से उनके गांव को जाना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितनी भाषाओं के ज्ञानी थे? मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 भाषाओं का ज्ञान उनको था और 21 सालों तक उन्होंने सभी धर्मों का ज्ञान लिया है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 32 डिग्रियां थी और विदेश में जाकर PhD अर्थशास्त्र में करने वाले वो पहले भारतीय थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पेशे से वकील थे और उन्होंने 2 साल तक मुंबई के लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर उन्होंने काम किया है और हमारे भारत देश का संविधान उन्होंने लिखा है। दोस्तों आज यानी 14 अप्रैल के दिन पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। संविधान निर्माता के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल के दिन छुट्टी घोषित कर दी है, यानी 14 अप्रैल को अब पूरे देश में छुट्टी मनाई जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा 14 अप्रैल को पूरे सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, यानी छुट्टियां मनाई जाएंगी। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको और कौन कौन सी जानकारियां हैं वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।